गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को बच्चों लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालें किसी संख्या का इसे सिखाऊंगी। बच्चों लघुत्तम समापवर्तक को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इंग्लिश में, और इसको शॉर्ट में बच्चों लसा भी कहा जाता है। तो अब हम चल रहे हैं आप लोगों को सिखाने कि हम किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कैसे पता करें। तो जैसे हमें किसी ने सवाल दे दिया कि 2, 3 और 6 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालो या इसका लसा पता करो, तो इसके लिए बच्चों जैसा कि हम पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि अपवर्तक कैसे पता करें, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के पहले हम उस संख्या का पहले अपवर्त पता करते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 2 के अपवर्त क्या है उसे लिखेंगे। तो 2 के अपवर्त हैं, 2 के अपवर्त हैं 2, 4, 6, 8 10, 12, चाहे तो हम और भी संख्या बढ़ा सकते हैं बच्चों। अपवर्त जैसे पता ही है किसी संख्या का पहाड़ा जैसे रहता है, तो अब इसके बाद हम 3 का भी अपवर्त पता करेंगे। 3 के अपवर्त हैं, 3, 3 × 6, 3 × 9, ऐसे अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी लिख सकते हैं बच्चों अपवर्त। 6 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, वैसे कई संख्या तक लिख लेते हैं लेकिन हम 6 संख्या तक लिख रहे हैं अपवर्त। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही सबका लिखेंगे। फिर उसके बाद तब अगर 6 लिख रहे हैं ऊपर वाले संख्या का तो 6 उसका भी, 6 सभी संख्याओं का। अब हम 6 के अपवर्त हैं कौन कौन से, तो अब 6 के अपवर्त हम लिख लेते हैं। 6 के अपवर्त हैं जैसा कि मैंने बताया, आसानी से पहाड़ा की तरफ पढ़ते जाइए, आराम से आपका निकलता जाएगा। 6 × 12 = 18, 6 × 6 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। इसका भी हमने 6 अंक तक अपवर्त पता कर लिया। तो बच्चों अब हमने अपवर्त पता कर लिया कि 2 के अपवर्त ये हैं, 3 के अपवर्त ये हैं, 6 के अपवर्त ये संख्याएं हैं। लेकिन बच्चों अब हमें इसके बाद लघुत्तम समापवर्त निकालने के पहले इन तीनों संख्याओं के समान अपवर्त पता करने होंगे, जिसे समापवर्त कहते हैं। समापवर्त मतलब समापवर्त वो संख्या है जो दी गई संख्याएं हैं जितनी भी, वो संख्या सब में शामिल हो, मतलब सब में कॉमन हो। मतलब 2 की अपवर्त है जो जितने संख्याएं, 3 की अपवर्त, 6 के अपवर्त, इसमें जो संख्या ऐसी संख्या जो सबकी अपवर्त हो वो संख्या क्या होगी, समापवर्त। तीनों संख्याओं की वो समापवर्त होगी बच्चों। तो इसके लिए हम चेक करते हैं बच्चों कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं की समान अपवर्त है। तो हम एक एक संख्या से मिलान करते हैं, क्या इसमें कहीं 2 है, इसमें 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है। 4, 4 देखें, क्या तीनों के अपवर्त में 4 संख्या है, 4 भी नहीं है। 6 बच्चों देखें, हाँ बच्चों 6 इसका भी है और 6, 3 का भी अपवर्त है, और बच्चों 6 इधर देखिए 6 का भी अपवर्त है। ये देखो ये हमारा समापवर्त है। समापवर्त वो संख्या होती है जो तीनों संख्याओं में शामिल हो। तो 6 ऐसा अपवर्त है जो तीनों संख्याओं का अपवर्त है। और बच्चों हम और संख्या मिलाते हैं, क्या 8 संख्या तीनों की अपवर्त है, नहीं है। क्या 10 है तीनों की अपवर्त, नहीं है तीनों में 10। 12, 12 हाँ इसमें है, इसमें भी दिख रहा है बच्चों और इसमें भी दिख रहा है बच्चों। तो 12 भी ऐसी संख्या है, इसको हम अपने आसानी के लिए पता करने के लिए बच्चों से घेरा लगा दे रहे हैं, आप लोग भी ऐसे पेंसिल से कर लेना।
तो 12 भी ऐसी संख्या है जो समापवर्त है, क्योंकि 12 संख्या भी सब में है, तीनों की अपवर्त 12 भी है और 6 संख्या भी। तो ये क्या हो गए बच्चों, 2-3 के, 2-3 और 6 के समापवर्त, समापवर्त कौन सी संख्या हो गई, तो समापवर्त है हमारी 6 और 12। ये ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं में कामन है और तीनों संख्याओं की समापवर्त है। तो बच्चों हम अब करते हैं 2-3 और 6 के समान अपवर्त पहले लिख लेते हैं, समान अपवर्त। 2-3 के समान अपवर्त कौन है बच्चों, 6 और 12। आप देख ही रहे हैं, अभी आपने ऊपर देखा है। तो बच्चों तो 2-3 और 6 का लस या लघुत्तम समापवर्त या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों नाम एक ही चीज के हैं, क्या होगा बच्चों, बराबर 6 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 ही क्यों हुआ, समान अपवर्त तो 2 आए थे, 6 और 12। तो बच्चों ये जैसा कि हमें पता है कि लघुत्तम समापवर्त वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं में कॉमन हो, समापवर्त हो और साथ ही सबसे छोटा, जब 2 हो गए समापवर्त, 2 हो गए बच्चों 6 और 12, तो जो इसमें सबसे छोटी संख्या रहेगी वही इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक रहेगी। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग ये समझ गए होंगे। आप लोग इसको वीडियो को बार बार देखिए और बार बार सवाल पर गौर करिए, आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और मैं आप लोगों को कुछ वर्कशीट भेजूंगी, आप लोग उसको लगा के भेजिएगा, मैं आपका देखूंगी।